नमस्कार दोस्तों, जॉब वाले बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम माई स्कीम पोर्टल, माई स्कीम योजनाओं के बारे में एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। जैसे कि बताया जा रहा है कि इसी पोर्टल के माध्यम 203 प्रकार के जो नागरिकों को सुविधा के अनुसार, मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो अब इस पोर्टल के माध्यम से क्या करेंगे, आप नागरिकता अपनी योग्यता की जाँच करके और हिसाब से योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि आपको मतलब कि 13 श्रेणियों में 203 योजनाओं का एक ही पोर्टल के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कृषि, ग्रामीण, पर्यावरण, बैंकिंग, वित्तीय, बीमा, व्यापार, उद्यमिता, शिक्षण, अधिगम, स्वास्थ्य एवं कल्याण, आवास एवं आश्रय, सार्वजनिक सुरक्षा, कानून एवं न्याय, विज्ञान, IT एवं संचार, कौशल, रोजगार, सामाजिक कल्याण एवं सशक्तिकरण, खेल एवं संस्कृति, आवागमन, बनावट, उपभोक्ता एवं स्वच्छता। योजनाओं की श्रेणी जो है कृषि, ग्रामीण, पर्यावरण में 6 हैं, बैंकिंग और वित्तीय और सेवाओं में, बीमा में 31 हैं, व्यापार उद्यमिता में 15 हैं, शिक्षण अधिगम में 21 हैं, स्वास्थ्य एवं कल्याण में 19 हैं, आवास एवं आश्रय में 8 हैं, सार्वजनिक सुरक्षा एवं कानून एवं न्याय में 2 हैं, विज्ञान एवं IT संचार में 3 हैं, कौशल एवं रोजगार में 17 हैं, सामाजिक कल्याण सशक्तिकरण में 64 हैं, खेल एवं संस्कृति में 3 हैं, आवागमन बनावट में 1 हैं और उपभोक्ता और स्वच्छता में 13 हैं। जैसे पहला चरण है विवरणी दर्ज करना है और खोज, मतलब उसके बाद जो सर्च इंजन का है उसके अनुसार आपको चयन करना है और आवेदन करना है। और आगे का आपको बताता हूँ कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फाइंडिंग गवर्नमेंट स्कीम मेड इजी। जैसे फाइंड स्कीम फॉर यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में 6 स्कीम है और 31 स्कीम जो है बैंकिंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस सर्विसेज में है और बिजनेस इंटरप्राइजेज में 15 स्कीम है, एजुकेशन लर्निंग में 21 स्कीम है, हेल्थ एंड वेलनेस में 19 स्कीम है और हाउस एंड शेल्टर में 8 स्कीम है, पब्लिक एंड सेफ्टी लॉ जस्टिस में 2 स्कीम है, साइंस एंड IT कम्युनिकेशन में 3 है स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट में, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट में 17 स्कीम है, सोशल वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट में फिक्स हो गया सोशल एम्प्लॉयमेंट है और स्पोर्ट एंड कल्चर में 3 स्कीम है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 स्कीम है और यूटिलिटी एंड संस्लेशन में 13 स्कीम है। तो इसके अनुसार आप क्या करेंगे, फाइंड स्कीम पर क्लिक करेंगे, आप फीमेल हैं या फीमेल है यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका एज क्या है तो आप उसके अनुसार एज डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, जैसे नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ पे क्या कर रहा है, जिस बाहर से बिलोंग करते हैं बिहार से बिहार डालेंगे, रूरल या अर्बन से, अर्बन से तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप यू बिलोंग टू जनरल से क्या है या OBC हैं या जो भी है या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो जनरल पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आर डिफरेंटली एबल तो मतलब कि आप यहाँ पे नो करेंगे, और बिलोंग टू माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो नो करेंगे, अगर बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए स्टूडेंट है तो यस पर क्लिक किया, BPL कैटेगरी में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नो करेंगे। इनकम क्या है, मान लीजिए कि 4 लाख डाल देता हूँ, ठीक है इस पर, और एनुअल इनकम, फिर इसके बाद फैमिली इनकम भी 4 लाख आपको क्या कर लेंगे डाल देंगे, उसके बाद देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपका स्कीम आ जाएगा यहाँ पे, देख सकते हैं जैसे फाइनेंशियल है, इसके लिए डेवलपमेंट एजुकेशन लर्निंग है तो एजुकेशन लर्निंग पर आप क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा प्रोफेशनल कोर्सेज या टेक्निकल कोर्सेज या एजुकेशन लेना है तो यहाँ पर मोर डिटेल पर क्लिक करेंगे, तो मोर डिटेल पर आपको, मान लीजिए अगर टेक्निकल कोर्स है तो टेक्निकल कोर्स पर आप मोर डिटेल पर करेंगे, पूरा यहाँ बताया जा रहा है, पूरा डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका स्कीम का आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।